हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन अंडरस्टैंडिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सो जस्ट अ क्विक इंट्रो बिफोर वी बिगिन द एक्सरसाइजेस कि स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो स्पॉन्डिलोसिस पर्टिकुलरली हमारे नेक रीजन में आइसोलेटेड होता है। उसके अलावा थोरैसिक भी होता है बट इट इज मोर कॉमन इन द नेक रीजन। थोरैसिक रीजन में उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का मूवमेंट उतना नहीं है एंड ज़्यादातर जो हमारा थोरैसिक स्पाइन है वो सिर्फ पूरे अपर बॉडी का वेट बेयर करने के लिए बना है, नॉट फॉर प्रोवाइडिंग मच मूवमेंट। सो इस वजह से उसमें कभी कोई डिस्क बल्ज होना या फिर कोई सीवियर आर्थराइटिक चेंजेस होना इज नॉट मच लाइकली एंड इट इज मोर लाइकली टू अकर इन दी नेक। सो इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा लोअर बैक के पास होता है, जस्ट नियर दी टेल बोन, जहाँ पर टेल बोन का बेस होता है हमारा, वहाँ पे कई बार हो जाता है इफ दी पर्सन हैज अ हैबिट ऑफ लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। कई बार अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें भारी सामान बार बार उठा के यहाँ से वहाँ रखना पड़े, या फिर ऐसा होता है कि कभी अगर कोई एक पर्टिकुलर दिन इफ आवर मसल्स आर नॉट फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग और गलती से हमने कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा के दो चार बार यहाँ से वहाँ कर दिया विदाउट प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर पॉस्चर, तो टेल बोन में भी स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। एंड टेल बोन का स्पॉन्डिलोसिस काफ़ी सिवियर होता है, इतना कि मतलब कई बार तो उसकी सर्जरी ही करवानी पड़ जाती है। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल वाइल लिफ्टिंग हैवी वेट्स, अपने पूरे स्पाइन को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। हल्का सा भी प्रेशर यहाँ का वहाँ हो तो स्पाइन जो कि सपोर्ट करने के लिए बनी है पूरे बॉडी को, वो कहीं ना कहीं पे इंसान को हैंडीकैप भी कर सकती है। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बट इन दिस सर्वाइकल रीजन काफ़ी सारे नर्व रूट्स निकलते हैं, जैसा मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जितना भी नाभि से ऊपर का जो एरिया है वो सारा हमारी सर्वाइकल नर्व रूट्स के जरिए ही सप्लाई होता है। सो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अप टिल द लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं वो सब ऐसे बाहर की ओर फैलते हुए निकलती हैं और वो नाभि से ऊपर के पूरे एरिया को आपके सिर से लेके अप टिल द लेवल ऑफ योर नेवल वो पूरा सप्लाई करती हैं। उसका सेंसेशन से लेके, उसकी मूवमेंट से लेके, उसका बॉडी का कितना मूवमेंट कैसे करना है, उसमें कोई टच करने पे कहाँ कैसे पता लगता है, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। वहीं नाभि से नीचे का जो एरिया है उसको लोअर बैक के जो नर्व रूट्स हैं वो सप्लाई करते हैं, लंबर स्पाइन की नर्व रूट्स। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है और क्यों होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पॉन्डिलोसिस इन जनरल मेडिकल टर्म्स मींस द इन्फ्लेमेशन अराउंड एनी जॉइंट एंड पर्टिकुलरली अराउंड द जॉइंट कैप्सूल, नॉट द बोन इटसेल्फ बट द कैप्सूल। बट एट द सेम टाइम उसमें भी हमारे घुटनों के आर्थराइटिस की तरह थोड़े बहुत यू कैन से जो बोन्स होती हैं वो आपस में टच करती हैं, उनका डीजनरेशन होता है। कई बार अगर हम एक्सरे देखते हैं पेशेंट का तो वी सी कि हाँ बोन्स के छोटे छोटे टुकड़े चिप ऑफ होके वहाँ से निकले हुए हैं बाहर, तो वो हमें एक्सरे में क्लियरली दिख जाते हैं कि अगर ये हमारी स्पाइन है तो स्पाइन से लगभग आधा इंच की दूरी पे या कुछ मिलीमीटर की दूरी पे हड्डी का एक टुकड़ा टूट के बाहर निकला हुआ है, वो काफी क्लियरली वो दिख जाता है एक्सरे में। सो व्हेन दिस प्रॉब्लम अकर्स, अगर पूरा जॉइंट कैप्सूल के अराउंड स्वेलिंग है सो नेचुरली दैट विल
प्रेस अपॉन दी सर्वाइकल नर्व रूट्स, जहाँ वो प्रेस करेगा वहाँ वो नसों को दबाएगा, और जहाँ नसें दब जाएंगी वहाँ से फिर ऑफ कोर्स उनमें सेंसेशन प्रॉपर नहीं कैरी हो पाती, कई बार हाथों में नंबनेस फील होती है, कई बार हाथों में पर्टिकुलरली हाथों के ऐसे पाम्स की तरफ ज़्यादा ऐसा फील होता है कि कुछ जैसे कुछ कांटे कांटे चुभ रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कुछ कीड़ा सा रेंग रहा हो उसके ऊपर। समटाइम्स पीपल से दैट हमें ऐसा लगता है कि हाथ बड़े हमारे गर्म हो रहे हैं, एंड समटाइम्स ऑन द अदर हैंड पीपल से कि हमें हाथों में वो ठंडा सा महसूस हो रहा है। सो सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिग्री ऑफ कंप्रेशन ऑन दी नर्व्स। सो ये होता क्यों है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या होता है, अब क्यों होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को एक्चुअली में तीन चार कैटेगरीज में एक साथ रख सकते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स थिंग। सिर्फ ये कहना कि हाँ गर्दन में दर्द है या नीचे देखने पे चक्कर आते हैं, इट दैट जस्ट वन ऑफ द जनरलाइज वे ऑफ सेइंग कि हाँ हमें वो प्रॉब्लम है, बट अपने आप में तीन चार कैटेगरीज में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज बोथ डेफिशिएंसी डिजीज, इट इज बोथ अ लाइफस्टाइल डिजीज, इट इज ऑल्सो इन अ वे अ मेटाबॉलिक डिजीज, एंड कुछ बहुत ही रेयर केसेस में वो एक हेरिडिटरी डिजीज भी बन जाता है कहीं ना कहीं पे। बट द मोर कॉमन वन दैट एटलीस्ट आई थिंक कि मतलब मेरी प्रैक्टिस में जो मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इज ड्यू टू पुअर पॉस्चर नंबर वन, एंड नंबर टू पॉस्चर के साथ साथ जो एक कह सकते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट देयर पर्सनल लाइफस्टाइल बट देयर प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, सिंस वी आर इनटू कॉर्पोरेट, हम सिर्फ मतलब हम यहाँ पे जैसे बैठे हैं हम एल्डर्स से तो मिलते ही हैं, बट एल्डर्स के अलावा हम अपनी फील्ड के और भी कई लोगों से ही ना हमारा मिलना जुलना उठना बैठना होता है। तो वहाँ पे इफ अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द लैपटॉप एंड अगर वो व्यक्ति ज़्यादा भी नहीं तो दिन के अगर 10-11 घंटे भी अगर वो बिता रहा है अपने लैपटॉप पे बैठ के, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 11 घंटे इस एक कुर्सी पे एकदम चिपक के बैठ जाए, वो तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए, किसी के लिए भी नहीं है। एक स्ट्रेच में हम नहीं बैठ सकते, बीच बीच में उठते भी रहते हैं कभी खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, वट एवर द रीजन मे बी वन नीड्स टू गेट अप फ्रॉम द चेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट स्टिल अगर कोई इस तरह के जॉब प्रोफाइल में है जहाँ पे उसको लेट्स से दैट एट अ स्ट्रेच 1.5 घंटा या 2 घंटे या फिर मे बी इवन 3 घंटे अगर अपना चेयर पे बैठना पड़े लैपटॉप के सामने, तो जैसे हम कई बार कहते हैं अपना एक्सरसाइज करते टाइम कि आप सीधा बैठिए एंड यू नो बैक रेस्ट का सपोर्ट मरीज, अब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ इस टाइम तो जैसे मैंने कहा कि स्पाइन को सीधा करिए तो मैंने अपनी सीधी कर ली ऐसे, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा झुक के ही बैठता हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो स्पाइन के मसल्स वीक हैं इसलिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि दैट इज द टेंडेंसी द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द स्पाइन टू स्लाइटली हंच फॉरवर्ड, नॉट ड्यू टू वीकनेस बट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज पे एक्ट करती है, वो हमारी स्पाइन पे भी करती है, सो कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे मसल्स अपने आप को उस तरह से कंडीशन किए हुए हैं कि वो उसी पोस्चर में अपने आप को कंफर्टेबली रख सकते एक्सक्यूज मी डॉक्टर हैं। जी जी सर, सर दिस इज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो जीन्स का रोल है ना इसमें पोस्चर जो है कितना भी कोशिश कर लो वो अपने जीन जो फादर का था उसी में चला जाता है। मैंने कई दफा तो ट्राई किया तो अप टू मेरे एन को कहते एक्सटेंट तो भैया। झुक के मत बैठ, मैंने कहा यार क्या करूं वो तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ जैसे अभी आपने स्पाइन का कहा जी, तो जब ये टोकते हैं तो सीधा कर लेते हैं फिर वैसे ही आ जाते हैं तो इट इज अप टू एन एक्सटेंट सर होता है बट नॉट इंटायरली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम सीधे ऐसे बैठे, अगर मैं कहूँ मैं ऐसे बैठा हूँ और अगर मैं आपको कहूँ कि आप आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए बिल्कुल हिलिएगा मत, आप 10 मिनट ज्यादा ज्यादा 15 मिनट बैठ पाएंगे, 15 मिनट बाद धीरे धीरे मे बी हाँ नॉट दी नेक, नेक से शायद ना भी हो बट ज्यादातर लोअर बैक की तरफ से धीरे धीरे झुक जाएंगे,
वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे ग्रेविटी एक तो एक्ट कर रही है उस पर, प्लस 15 मिनट बाद मसल्स भी अपने आप को कहते हैं हम पहले से खींचे हुए थे बिल्कुल, अब धीरे से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, वो उनकी टेंडेंसी है। सो लाइक आई सेड नथिंग रॉन्ग विद इट, वो स्वभाव है उसका, नेचर मसल। थैंक यू। राइट, सो व्हेन आई से दैट इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से ना लैपटॉप पे 2-3 घंटे के स्ट्रेच के लिए भी बैठा है एंड इफ देयर एंटायर स्पाइन टेंड्स टू हंच फॉरवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, नेचुरली जो नेक का जो कर्वेचर होता है, अगर आप अपने गर्दन पे पीछे हाथ फेरे तो यू विल सी कि उसकी कनकेविटी है अंदर की तरफ, सो इट्स लाइक इन्वर्टेड ऐसा सी शेप में होता है। जब ज्यादा देर अगर आप ऐसे बैठेंगे एंड धीरे धीरे हंच करते जाएंगे आगे, सो दैट सी शेप, दैट कर्वेचर ऑफ द नेक टेंड्स टू फ्लैटन, एंड जब वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, तो उसके जितने एक्सटेंसर मसल्स हैं, ऑल द एक्सटेंसर्स ऑफ योर बैक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टिल योर शोल्डर्स, ये जितने भी ये होते हैं एक्सटेंसर्स होते हैं हमारे नेक और हमारे हेड के लिए, वो फिर समय के साथ इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो पूरे सिर का भार उठा नहीं पाते, और जो आगे के मसल्स हैं यहाँ पे हैं हमारे चिन के पास, वो टेक ओवर कर लेते हैं एंड तब आदमी बिल्कुल झुक के ऐसे बैठ जाता है, या फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप हो जाता है दैट उसका सिर सारा टाइम आगे की ओर ही रहता है एंड झुक के चलने की भी थोड़ी सी आदत बन जाती है टाइम के साथ। सेकंड टाइप ऑफ स्पॉन्डिलोसिस दैट वी सी इन पेशेंट्स, दिस इज द मोर कॉमन वन इन द एल्डरली पॉपुलेशन, कि जब एक सर्टेन एज के बाद हम ये कहते हैं कि मसल टोन हमारा चेंज होता है, बिल्कुल ठीक बात है, होता है, दैट इज दी पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस, भगवान ने ऐसा ही बनाया है हमारे शरीर को कि हाँ 50 की एज के बाद या मिड 50s में आते आते मसल टोन धीरे धीरे थोड़ा डाउन जाएगा ही जाएगा, और बाकी भी जो पैरामीटर्स हैं उनका भी ज्यादातर ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता ही जाता है, अगेन नथिंग रॉन्ग विद इट, वो नेचर है उसका। उस केस में जब 50s अपने मिड 50s तक आते आते, व्हेन वी से दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, तो वो हमारे मसल बल्क पे इफेक्ट करेगा। व्हेन वी से दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज स्लाइटली डिक्रीज्ड इन द बॉडी स्पेशली इन लेडीज, सो अगर वो होता है तो बोन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो उसका एक कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि अब मसल्स जो एनफोर्स कर रहे थे उसको, वो भी वीक हो गए, और जो हड्डियां सपोर्ट कर रही थी वो भी वीक हो गई, सो नेचुरली दैट अगेन लीड्स टू आर्थराइटिक चेंजेस एंड डिजनरेटिव फर्दर चेंजेस इन ऑल द मूवेबल जॉइंट्स, वो चाहे हमारा नेक हो, हमारे घुटने हो, लोअर बैक हो, उंगलियां हो, एल्बोज हो, सो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के फॉर्म में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फॉर्म में देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। सो ये तो हुआ इंट्रो उसके बारे में। सो नाउ विल स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस। सो जैसे मैं अभी कह रहा था, सब सीधे होके बैठ जाइए, लेट अस नाउ ओवरकम द ग्रेविटी फॉर अ व्हाइल, नॉट मच लॉन्ग, बट लेट्स ट्राई। सो सीधे होके बैठिएगा, चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, सामने की ओर देखेंगे। विल स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस नाउ। सो पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, then we'll do this side. So, सीधे बैठिए, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे राइट वाले कान से जस्ट ऊपर रखेंगे, इस तरह सामने की ओर देखते हुए नेक के मसल बिल्कुल ढीले छोड़ देने हैं, और हाथों के सहारे जोर लगाते हुए बहुत हल्के हाथ से स्ट्रेच करिए। आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद मत करिएगा। टेन सेकेंड्स होल्ड करते हैं एंड धीरे से वापस सीधा। अगेन नाउ विद द राइट हैंड, लेफ्ट वाले कान के जस्ट ऊपर हाथ को रखा, धीरे से स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करके होल्ड करिए,
ध्यान रखिए कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो सिर मतलब बिल्कुल सीधा सामने की ओर देखना है, ट्राई नॉट टू डू दिस, कई बार ऐसे गलती हो जाती है, नहीं करना इस तरह। अगर नेक का कोई डिस्क बल्ज हो गया तो बहुत दिक्कत होती है आगे चलते। इसमें ब्रीदिंग का कोई रोल है डॉक्टर साहब? इन राइट हैंड से रिलैक्स, सामने की ओर देखेंगे एंड अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ शक करते हुए ऐसे लेके जाएंगे। सो नेक और अपर बैक को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ऊपर की ओर देखते हुए विल डू अ सेमी सर्कुलर मोशन इस तरह, देन पूरा घुमाते हुए राइट की तरफ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। सामने की ओर देखिए, कई बार जब कोई पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पहले जब उसकी नब्स चेक करते हैं तो हमेशा रिस्ट पे करते हैं, हाथ पे, यहाँ इस जगह पे। बट इन सम केसेस जहाँ पे पल्स हमें नहीं मिलती, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब हम नेक्स्ट जो एरिया जहाँ पर हम चेक करते हैं पल्स पेशेंट की, वो होती है यहाँ पे, तीन उंगलियाँ ऐसे रख के जस्ट जब हम टर्न करते हैं तो यहाँ जो हमें एक बैंड ऑफ मसल जो फील होता है उसके जस्ट आगे, क्योंकि यहाँ से जो दो चीफ नर्व्स, चीफ जो आर्टरीज होती हैं हमारे ब्रेन की, विच आर दी कैरोटिड आर्टरीज, वो यहीं से होती हुई फ्लो करती हैं। सो बॉडी में और कहीं पे पल्स मिले ना मिले, लेकिन अगर यहाँ फील करने पे हमें कुछ ना मिले तो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है उस टाइम पे। छोटे बच्चों में पैल्पेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्मॉल बेबीज जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें बच्चे की फिर पैर की एडी को पिंच करके वहां पे आर्टरी फाइंड आउट करते हैं, बट इन अ ग्रोन एडल्ट वी चेक हियर। सो बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर विद द एक्सरसाइजेस, कि ये जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं एंड दे आर एक्चुअली जस्ट ओवर द बैंड ऑफ मसल दैट आई टॉक्ड अबाउट, SCM कहते हैं इसको, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, उसके जस्ट ऊपर होती हैं। सो ये बहुत जल्दी आर्टरी दब सकती है, हल्के से भी प्रेशर से इट कैन क्लोज, और अगर वो क्लोज हो गई तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ एंड आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है। सो व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सरसाइजेस, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें नेक पर जोर पड़ता है, जिसमें हम नेक को जैसे हमने पीछे की ओर भी स्ट्रेच किया इस तरह, या अगर हम आगे की ओर भी नेक को ले जाते हैं, अगर एट एनी मोमेंट इफ यू फील कि आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपको घबराहट हो रही है, ऐसा लगे कि जैसे
चेस्ट में हैवीपन सा फील होता है या सांस लगता है कि बहुत तेज तेज लेनी पड़ रही है, एट दैट टाइम प्लीज रिलैक्स, सिट डाउन, टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा. दैट मीन्स कि आपकी कैरोटिड आर्टरी या तो उसमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एक्सरसाइज करने से, या फिर कोई कंप्रेशन हो रहा है वहां पे, इसीलिए वो सिम्टम फील होते हैं. एंड स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ द नेक, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि नेक की एक्सरसाइज करते हुए आंखें खुली रखा करिए, क्योंकि अगर आंखें बंद होंगी एंड इफ द सप्लाई इज कट ऑफ उस टाइम पे, तो जो ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, अब आंखें बंद है तो हमें क्या पता विजन ब्लर है कि नहीं है, वो पता लगाने के लिए ही आंखें खुली रखनी जरूरी होती है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. मैं नहीं चाहता कि मेरे सेशन में कोई फेंट होकर गिरे इस टाइम पे, कोई नहीं करना चाहिए, मेरे सेशन में कोई फेंट होकर नहीं गिरेगा, ध्यान रखिएगा इस बात पे. राइट, सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, यू आर सच ए गुड इंस्ट्रक्टर कि हमें कुछ नहीं होगा जब तक आप हैं हमारे साथ. थैंक यू. अभी मैं आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली कि व्हाई वी आर सपोज्ड टू कीप द आईज ओपन. And you explained it so well. Thank you very much. Gratitude. So, continuing with the next set of exercises. हाथों को इस तरह से interlock कर लीजिए. Okay. इसको हम रखेंगे सिर के पीछे, like this. So, first we'll do the exercise for the extensors of neck. पहले तो कोहनियों को पीछे की ओर stretch करते हुए इस तरह सामने देखेंगे. And जितना elbows को stretch कर सकते हैं, प्रेस करिए, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स, रिलैक्स, एक बार और चले जाइए. वापस अगेन. और पीछे की तरफ, ओके. अब हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरह, लेकिन स्ट्रेच नहीं करना है. नाउ व्हाट वी विल डू इज हाथों को रिलैक्स रखेंगे, ज्यादा हाथों से जोर नहीं लगाना, अपने सिर से पीछे की ओर पुश करना है. सो कीपिंग द हैंड्स लाइक दिस, सिर से पीछे की ओर जोर लगाइए, होल्ड करिए उसको वहीं पे पुश करते हुए एंड रिलैक्स. एक बार और पुश करिए पीछे की तरफ, एंड रिलैक्स. एक बार और पुश करते हुए होल्ड करिए उसको, एंड रिलैक्स. हाथ नीचे ले, नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अगेन हाथों को इसी तरह से इंटरलॉक रखते हुए अब हम रखेंगे सामने की तरफ, लाइक दिस, माथे पे. ओके, एंड जैसे हम पीछे की ओर पुश कर रहे थे, अब हम आगे की ओर पुश करेंगे. एंड अगेन हाथों से वी ट्राई टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द हेड. So keeping it like this, सामने हो सके तो दीवार पे पॉइंट को देखते हुए उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, एंड देन पुश योर हेड फॉरवर्ड पूरी ताकत के साथ. 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं, करिए,
दोनों हाथ नीचे। डॉक्टर अनुराग, इस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है? मैम जो हमारे कोई भी मसल्स हैं बॉडी के, नॉट जस्ट फॉर द नेक, मसल्स के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हमारा एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट इन मेडिकल टर्म। अगर हम इसको थोड़ा लेमन टर्म्स में कहें तो एक होते हैं हमारे प्राइमरी मूवर्स और एक होते हैं सेकेंडरी मूवर्स। कोई भी मूवमेंट जो मसल इनिशिएट करता है वो प्राइमरी मूवर है और उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है उसका ऑपोजिट मसल। अगर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हमारे आर्म्स का, तो अगर मुझे, अगर मेरी एल्बो भी सीधी है, अगर मुझे इसको ऐसे बेंड करना, सो बाइसेप जो है हमारा वो इस केस में प्राइमरी मूवर है बिकॉज वो एल्बो को बेंड करने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करता है, जो नीचे यहाँ के जो मसल्स हैं ट्राइसेप्स जो है वो उसको स्टेबलाइज करते हैं कि वो ऐसे स्लोली आए। ऐसा नहीं कि ऐसा रखा और सारा जोर अगर बाइसेप में लगाया तो आके डांटा अपने ही मुंह पे पड़ेगा उससे वो अपने आप को, ताकि डांटा ना पड़े उससे बचाने के लिए ट्राइसेप्स भी काम करता है कि नहीं ज्यादा स्पीड से नहीं लाना हाथ को, धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में अपनी स्पीड को मैनेज करना। सो लाइकवाइज even though we are putting more emphasis on the extensors of the neck, but at the same time jo samne ke ye wale muscles hai, the flexors of the neck, unko bhi dhyan dena zaruri hai. sirf ek muscle group pe kaam karke dusre ko aap chhod denge to fir wo exercise karna becomes you can say counterproductive, ki hum jo karna cha rahe the wo task accomplish hua nahi aur lekin char problems aur apne sar pe aa gaye, so why to do that, ठीक हुए नहीं और बीमार और पड़े तो कोई बात नहीं। ओके सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, तो दोनों हाथों को इस तरह से एल्बोस को अपने बेंड कर लेते हैं। ओके थोड़ा हाथों को नीचे रखेंगे, नॉट अप लाइक दिस, नीचे अपना 90 डिग्री का एंगल, कीपिंग इट लाइक दिस। हाथों को ले जाएंगे पीछे ऐसे एंड विल लुक अप, पूरा ऊपर छत की ओर। नीचे अगेन हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, लुक अप, ऊपर देखिए अच्छे से, देखिए कौन सा पंखा है, क्या पंखा है, पंखे की तारीफ करते हुए धीरे धीरे नीचे एंड हाथ वापस अपनी जगह। अगेन वी विल स्ट्रेच द हैंड बैकवर्ड्स एंड देन वी विल लुक अप। जैसा हम कह रहे थे कि जो फ्लेक्सर्स ऑफ नेक हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, सो एक बार थोड़ा इनको भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखिएगा। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगे कि पेन हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं तो ये मत करिएगा, दिस इज ओनली फॉर यू नो समवन हु डज नॉट हैव दिस प्रॉब्लम अप टू अ लेवल जहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस हो या फिर जैसा मैंने बताया कि कैरोटिड आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो जाए। सो कीप इन माइंड दैट व्हेन वी डू दिस, आपको करना क्या है, नीचे की ओर देखते हुए ऐसे अपना हाथों से धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से नीचे की ओर प्रेशर लगाना। एट द सेम टाइम लाइक आई सेड आंखें खुली रखिएगा, अगर आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं रुक जाइए, मत करिएगा, दैट शोज कि शायद ब्लॉकेज हो सकती है। सो ऐसे रखिए धीरे से, सिर्फ एक बार स्ट्रेच करेंगे एंड देन वापस करेंगे। And
सिर्फ एक ही बार करना होता है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होते। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं हमने भी स्ट्रेच कर लिए, सो अब उनको रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेच करते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्कल लाइक दिस और ये हाथ नीचे इस तरह। ओके, अब करना क्या है, धीरे धीरे नीचे ये वाला जो हाथ है जो हमारे चिन के नीचे है, इससे जोर लगाते हुए अपने पूरे नेक को हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं। ऐसे रखिए, सामने देखते रहिएगा, सामने देखिए, ऊपर नहीं देखना ना नीचे जमीन की ओर देखना, एकदम स्ट्रेट। Think it like this, stretch upwards. And down. एक बार और ऊपर की ओर, Something like traction. दोनों हाथ नीचे के, जैसा अभी रश्मि मैम ने बताया कि हाँ ट्रैक्शन टेक्निक होती है। ज्यादातर हम मैकेनिकल ट्रैक्शन एक पे करते हैं बेड पे लिटा के, वो तो होता ही है, बट क्योंकि वो अभी घर पे बैठ के पॉसिबल नहीं होता एंड बाहर जा नहीं सकते हैं उसके लिए, सो दिस इज द वे टू डू इट, सेल्फ ट्रैक्शन। एक और टेक्निक होती है सेल्फ ट्रैक्शन की, अपने पूरे हेड के वेट का यूज करते हुए ऑन अ फ्लैट सरफेस। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मेरे कैमरा अपना सेट कर लूँ। सो ये एक्सरसाइज लेट के होती है, ये बैठ के नहीं हो पाएगी। पूरा फ्लैट लेट जाएंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिर है वो बेड के किनारे से बाहर की तरफ, सो इस तरह से अब सिर मेरा बाहर की ओर है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द अगेन विद द फ्लेक्सर्स ऑफ द नेक, बेड के किनारे पे लेट गए एंड ट्राई टू लुक अप एंड डाउन, इसी पोस्चर में अगर हमें नेक को ट्रैक्शन देना है तो नेक को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे और बेड के किनारे से नीचे की ओर उसको लड़कने देंगे। अगेन आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी। अगर आपको स्ट्रेच आ रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो अपने दोनों हाथों से अगेन ऐसे माथे पे रखते हुए धीरे से उसको पुश कर सकते हैं नीचे की तरफ, बट बी वेरी केयरफुल, अपने आप को इंजर नहीं करना। तो लेट इट स्ट्रेच फॉर 10 सेकेंड एंड धीरे से अगेन ऊपर की ओर देखेंगे एंड वापस नीचे भी।
ध्यान रखिए कि स्ट्रेच करते समय अगर आपने सिर पे अपने हाथ रखा हुआ है इस तरह एंड इफ यू ट्राइंग टू पुश इट डाउनवर्ड, तो ज्यादा उसको ना करें क्योंकि अगेन कोई डिस्क बल्ज नहीं होना चाहिए नेक में कहीं पे भी. सो बी वेरी केयरफुल विद हाउ मच वेट यू अप्लाई ऑन इट. नाउ फॉर द लास्ट एक्सरसाइज, ठीक से अच्छे से बैठेंगे, आगे हंच करके नहीं बैठना. धीरे से लेफ्ट की ओर टर्न करते हैं, होल्ड करते हैं यहीं पे हेड को एंड वापस. अब राइट की तरफ लेफ्ट सामने की ओर देखिए. अगर आपके सामने क्लैट सरफेस है जैसे कि अगर टेबल है तो अपने दोनों हाथों को टेबल के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से, सो दैट योर हेड कैन रेस्ट ऑन योर हैंड्स लाइक दिस. ऐसे रख लीजिए. ट्राई करें कि एल्बोस थोड़ी पास पास रहें, ऐसे मतलब ऐसे नहीं रखनी. ट्राई टू कीप देम स्लाइटली क्लोजर ऐसे. ओके, अब करना क्या है कि अपने चिन से नीचे की ओर जोर लगाना है हाथों की तरफ. सो इस तरह चिन से नीचे की ओर प्रेस करिए. एंड रिलैक्स. एक बार और प्रेस करके होल्ड करते हैं 10 seconds. नीचे की ओर प्रेस करिए. रिलैक्स. लास्ट टाइम प्रेस. एंड दोनों हाथ नीचे ले आइए, सीधे बैठ. डॉक्टर अनुराग जी, मेरी ये नेक एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे लगता है ये नस खुल गई है, थोड़ी देर के बाद सिर पेन शुरू हो जाती है, बार बार ऐसे गर्दन करना पड़ता है या स्ट्रेच करना पड़ता है तो ऐसे लगता है कोई नस बीच में से खुली, फिर वैसे ही हो जाती है पेन. ये क्या कारण है? दैट शोस कि मैम आपके नेक के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गए हैं टाइम के साथ. आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं एक जगह पे या खड़े रहते हैं? बैठे भी रहते हैं, चलते फिर पे रहते हैं. नहीं, चलती भी बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं. बट मेजरली अगर कोई कोई भी घर का कोई भी हाउसहोल्ड काम हो अगर ऐसा, तो ज्यादातर वो बैठ के करते हैं या खड़े होके करते हैं? बैठ के. जो स्टार्टिंग में मैंने दो स्ट्रेचेस बताए ना मैम, एक तो हाथ को ऐसे रख के स्ट्रेचिंग, उससे बड़ा रिलीफ मिलता है. इससे बड़ा रिलीफ
ये वाला आप करिए, जब ये दोनों तरफ क्या कर लीजिए, पांच पांच बार, फाइव रेपिटेशन, इससे बड़ा रिलीफ होता है। हाँ जी हाँ जी, तभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप डेली करिए इसको दिन में दो बार। एंड बिफोर यू डू दी स्ट्रेचेस, आप ना गर्म पानी की बॉटल आती है ना, रबड़ की, वो ले, उसमें गर्म पानी डाल के उसके टॉवल लपेट के अच्छे से ना सिकाई कर दीजिए उसकी। सो पीछे वाला से बेड पे रखा पीछे बॉटल को, एक तौलिया लपेट लिया उस पर और सिर उसके ऊपर रख के लेट गए। और अबाउट 10 मिनट्स में भी, 10 मिनट्स तक सिकाई अच्छे से करने के बाद उसके बाद करिएगा स्ट्रेचिंग, तो देखिएगा उससे काफी आराम मिलता है और जो स्टिफनेस है धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। कि समय के साथ जैसे मैंने बताया ना, जब हम बैठते हैं और कोई भी काम करते हैं, मतलब किचन के काम हो चाहे ऑफिस का हो कुछ भी हो, तो स्टिफनेस आ ही जाती है, स्पेशली खड़े होके। खड़े होके काम करना और ज्यादा टायरिंग होता है, मतलब किचन में तो काम मेरे से भी ज्यादा नहीं होता, अगर मैं भी अगर किचन में खड़ा होता हूँ कभी, क्योंकि काउंटर जो है, जो किचन का काउंटर होता है वो हमारी हाइट के हिसाब से काफी नीचा होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं बना। मुझे भी अगर कई बार कोई कहे ना कोई सब्जी काटने वगैरह को, मेरे से भी ज्यादा देर होती नहीं है मैं खुद अवॉइड करता हूँ अगर तो मैं भी बैठ के करने की कोशिश करती हूँ, सब काट पीट तो ट्राई की। हाँ मैं बैठ के, बट सम टाइम नॉट ऑल टाइम। राइट, सो मैं अपने माइक अब आप ऑन कर सकते हैं, एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। पहले अनुराग, ये जब मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था मोहा, तो मैं ऐसी करती थी, मुझे बहुत चक्कर आते थे, जैसे मैं ऊपर सिर करती थी चक्कर आते थे, पर अब जब से ज्वाइन किया है कोई ना कोई एक्सरसाइज मसल रिलैक्स हो रही है तो एकदम आराम आ गया। जी अगर ऊपर की ओर देखते हुए मैम चक्कर आता है तो अगेन That is a sign of nerve compression. Maybe उतना वो strong नहीं है अभी, इसलिए नहीं तो नीचे की ओर देखते टाइम भी काफी जोर से फील होता है। अगर वो नहीं नीचे का तो मुझे ध्यान में नहीं है, पर ऊपर ऐसे देखती थी और ऐसे लगता था घूम रहे, और अब टचवुड बिल्कुल आराम आ गया। अब जैसे अभी एक्सरसाइज की है बिल्कुल फील नहीं किया कि मुझे चक्कर आ गया। धीरे धीरे हम मेक इट अ हैबिट की हम करते रहे ना डेली, तो अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब 1.5 महीना से मतलब 2 महीने होने वाले हैं, काफी फर्क पड़ा, मतलब कोई ना कोई डेली एक्सरसाइज हो जाती है तो एकदम से। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है ना बॉडी को उस तरह से करने की, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी या कोई भी, जैसे मैंने कई बार बताया कि चाहे हमारा स्ट्रेंथ हो, हमारी एंड्योरेंस हो, एनी कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, उसको नए सिरे से बिल्डअप होने में कम से कम 8 हफ्ते लगते ही लगते हैं। 8 हफ्ते बाद वी स्टार्ट टू सी सम चेंज, उससे पहले नहीं दिखते। सो वन हैज टू बी वेरी पेशेंट कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। इंस्टेंट रिलीफ या इंस्टेंट ये कि अभी बस कल परसों में ठीक हो जाए, उसके लिए देयर आर आल्सो, बट तो हम ट्राई करते हैं कि ना करें, ना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज नॉन कन्वेंशनल टेक्निक्स में फिर सर्जरी भी आ जाती है, उसमें मेडिकेशन भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स करवाएं। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन एल्स आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन खत्म करते हैं। डॉक्टर अनुराग, हमने आपको कहा था कि स्टमक के एक्सरसाइजेस भी बताइएगा। रही गई चलिए, चलिए नेक्स्ट सेशन जब मैं लेता हूँ परसों, उसमें आई विल इंक्लूड द एक्सरसाइज फॉर एब्डोमिनल एज़ वेल। मैं तो खुद करता हूँ, मुझे खुद का पेट कम करना है, आपका तो फिर भी ठीक है, आपको आप कहाँ से, आपको क्यों टेंशन हो रही है एब्डोमिनल की, अपने आप जरा तो मेरे को नहीं चाहिए इतना इतना ऐसे पेट ऐसे लिए बैठे हो थोड़ा निकला मैम, ये कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये क्या होता है, आटे की बोरी निकाल के बाहर रख दो अनुराग, उठाओ और बाहर रख दो बोरी, क्या करना है। मैं तो वर्क फ्रॉम होम ने पेट बाहर निकाल दिया मेरा। वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम खाओ पियो मौजड़ा हुआ है। डॉक्टर अनुराग, फेस के एक्सरसाइजेस भी कराइएगा प्लीज, फेशियल एक्सरसाइजेस।
अरे फेशियल शायद मैं करवाऊंगा आने वाले समय में, बट अगर आप YouTube पे जाए ना हमारे मोहा एल्डर के साथ टाइप करके YouTube पे हमारे चैनल पे, तो आई होप यू विल फाइंड द प्रीवियस सेशन एज़ वेल जिसमें मैंने एक और बार लिया हुआ है. ठीक है सर. ओके आई थिंक इट्स देयर, मतलब मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने वेब पेज ज्यादा चेक नहीं किया, मोस्ट लाइकली इट इज देयर. नहीं तो एक सेशन लेना तो है. Any other questions? Doctor Anurag, सुबह कितने बजे उठते हो? मैं उठता हूँ 7:30 के आसपास. नहीं, राजेश बहल जी का एक सेशन चलता है सुबह में 1 आवर. किनका किनका? राजेश बहल जी का. हाँ सर ने मेरे को उसका लिंक भेजा हुआ टेलीग्राम पे, बट मैं लॉगिन नहीं कर पाता. नहीं कभी एक टाइम देखिए. वो टाइमिंग हमारी सूट नहीं करती हमें, नहीं तो कर भी लेते हम. कोशिश करिए. जब दुनिया सो के उठ रही होती है हम सोने जा रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता दोबारा. मैं थोड़ा लेट सोने वालों में से हूं. कोशिश करके देखिए एक दिन. मैम आपका माइक म्यूटेड है, आप नीचे. थैंक यू सविता जी. लेफ्ट कॉर्नर में मैम आपका बटन होगा, उसको प्रेस करिए. अनुराग जी आप ये एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये डॉक्टर रुचि कब आएगी? वो अभी कुछ अपना फैमिली इशू की वजह से जरा बिजी है, तो इसलिए वो लास्ट टाइम भी आ नहीं पाए थे. Hopefully this week she'll be here. अच्छा अच्छा, असल में उन्होंने थेराबेंड वगैरह मंगवाया, वो कभी दोबारा यूज ही नहीं हो पाया, तो उसे मंगाया. Some personal situation was there, so इसलिए वो last time आ नहीं पाए. अच्छा. Hopefully this week. ठीक है ठीक. Okay. Thank you. So session conclude करते हैं यहीं पे आज का. There are no further questions. So thank you so much to everyone for joining in. आप सबसे हम मिलेंगे कल active team के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. Stay safe. I'll see you tomorrow. Bye. Have a good day. You too, ma'am.